दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लद्दाख टूर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप बाइक से लद्दाख टूर करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। किस रूट से आपको जाना चाहिए, कौन सी बाइक आप ले जा सकते हैं, पेट्रोल का खर्चा कितना होने वाला है, परमिट कैसे बनेगा, वहाँ पर रुकने के लिए कैसे इंतजाम है, होटल है, होम स्टे है या टेंट है, कितना खर्चा वहाँ पर होने वाला है, खाने पीने के कैसे इंतजाम है, वहाँ पर कितना खर्चा होने वाला है, इसके अलावा साथ में क्या क्या लेकर जाना चाहिए वो भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा, और कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, कितने दिन का टूर रहने वाला है वो भी कवर किया जाएगा। A to Z जानकारी लद्दाख बाइक टूर की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, और जो भी मन करे वो कमेंट कर देना। देखिए लद्दाख बाइक टूर प्लान करने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें सोचकर चलनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें सोचना होता है कि हम किस रूट से जाने वाले हैं। लद्दाख जाने के अलग अलग रूट हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। एक रूट है कि अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह पहुंच जाएं और वापस भी उसी रास्ते से आ जाएं। एक रूट है कि आप दिल्ली से चंडीगढ़, मनाली, केलांग होते हुए लेह पहुंच जाएं और वापस भी इसी रास्ते से आ जाएं। और एक होता है सर्किट रूट कि आप दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए ले जाइए और वापस आते वक्त आप मनाली होते हुए वापस आ जाइए। तो ये पूरा सर्किट होता है। मोस्टली मोटो व्लॉगर इसी सर्किट को पूरा करते हैं। इस पूरे सर्किट को करने में आपकी बाइक चलेगी करीब 3100 से 3400 किलोमीटर। बट अगर आप सिर्फ मनाली वाले रूट से जाते हैं और उसी से वापस आ जाते हैं तो आपकी बाइक 3000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही चलने वाली है। तो सबसे पहले आपको आपका रोड मैप तैयार करना है कि आपको कौन सा रूट चूज करना है। बात आती है पेट्रोल की कि कितना पेट्रोल खर्च होने वाला है, कितना पैसा पेट्रोल में लगने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक लेके जाते हैं। बाइक वहाँ पर आप 100 CC की भी ले जा सकते हैं, 1000 CC की भी ले जा सकते हैं। जो बाइक आपके पास है बस वो फिट होनी चाहिए, पूरी तरह से वेल सर्विस्ड होनी चाहिए, आप उसे ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक 40 किलोमीटर का माइलेज दे देती है तो आपका पेट्रोल खर्च होगा करीब 5.5 से 6 हज़ार रुपये पूरे सर्किट में। और अगर आप एक ही रूट से जाते हैं और उसी से वापस आ जाते हैं तो शायद 5 हज़ार के अंदर में ही आपका काम बन जाएगा। और मनाली से लेह हाईवे पर पेट्रोल पंप नहीं है तो ऐसे में आपको कुछ रिजर्व पेट्रोल अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा किसी जेरी कैन में। अगर आप 100 CC की बाइक लेकर जाते हैं तो आपको जेरी कैन ले जाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप 5 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल लेकर चले जाइए। बट अगर आप 300 CC या उससे ज़्यादा की बाइक लेकर जाते हैं या 150 CC की भी बाइक लेकर जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जेरी कैन ले जानी पड़ेगी, पेट्रोल एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हाईवे पर कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलने वाला है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पेट्रोल की। तो 10 लीटर कम से कम पेट्रोल साथ लेकर जा सकते हैं। बात करते हैं कि कितने दिन के लिए टूर प्लान किया जाएगा। देखिए लद्दाख का टूर अगर बना रहे हैं बाइक से कम 12 से 15 दिन का टूर आपका बनने वाला है। तो 12 से 15 दिन का पूरा टाइम लेकर जाइए, और हो सके तो अगर 12 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप 14 डेज या 15 डेज 15 दिन तक का टाइम रखिए अपने पास, क्योंकि कभी कभी वेदर प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। सेफ्टी गियर्स, राइडिंग गियर्स ले जाना क्या जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो अपने राइडिंग गियर्स जरूर रखिएगा। जनरली जो नी गार्ड है, एल्बो गार्ड है, वो 1500 से 2000 तक का आ जाता है, उसे आप जरूर लेकर जाइए। राइडिंग जैकेट या राइडिंग पैंट आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बट नी गार्ड और एल्बो गार्ड जरूर लेकर जाइएगा। हाथों के लिए ग्लव्स भी जरूरी है, हो सके तो 2 तरह के ग्लव्स रख लीजिए, विंटर के लिए अलग और गर्मी के लिए अलग, क्योंकि प्लेन में जब आप चलेंगे तो आपको गर्मी लगेगी तो आप नॉर्मल ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, बट लद्दाख में जाने के बाद आपको गर्म ग्लव्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। हेलमेट एक अच्छी क्वालिटी का जरूरी है। और इसके अलावा और क्या क्या साथ लेकर जा सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। बाइक की प्रॉपर पूरी कंप्लीट टूल किट साथ जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा ट्यूबलेस टायर अगर बाइक के हैं तो पंक्चर किट भी जरूरी है, हो सके तो बाइक वही लेके जाएं जिसके टायर ट्यूबलेस हैं। और बाइक के 1 या 2 चैन लॉक भी साथ में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर आपकी चैन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इजीली उसको चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आसपास मैकेनिक की शॉप इजीली अवेलेबल नहीं होती है। स्पार्क प्लग भी साथ रख सकते हैं बाइक के लिए, और बाइक की चैन का लुब्रिकेंट भी जरूर 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 साथ ले
लेकर जाएं। हो सके तो एक्सीलेटर वायर भी साथ में कैरी कर सकते हैं। इंजन ऑयल का स्मॉल पैक भी जरूर लेकर जाएं। कभी कभी बाइक में इंजन ऑयल कम हो जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सा प्रॉपर वाटरप्रूफ बैग लेकर जाएं। ज्यादा कपड़े ले जाने की आपको जरूरत नहीं है, 2 या 3 जोड़ी कपड़े रखिए। इसके अलावा कुछ गर्म कपड़े साथ में जरूर लेकर जाएं। आप किसी भी मौसम में जा रहे हैं, आपको गर्म कपड़े साथ लेकर जाने ही पड़ेंगे। रेनकोट है तो रेनकोट भी जरूर लेकर जाइए, क्योंकि बाइक चलाते वक्त आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पावर बैंक साथ लेकर जाइए अपना, और एक पोस्ट पेड सिम जरूर ले लीजिए, क्योंकि वहां पर प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। और पोस्ट पेड सिम भी एयरटेल या बीएसएनएल का लेकर जाइए। मैं रिकमेंड करूंगा बीएसएनएल का लेकर जाइए, क्योंकि कभी कभी एयरटेल के नेटवर्क भी वहां पर नहीं आते हैं, लेकिन बीएसएनएल पोस्ट पेड ऑलमोस्ट वहां काम करता रहता है। एक सिंपल फोन कीपैड वाला लेकर जाइए, जिसमें पोस्ट पेड सिम आप रख सकते हैं और उसको फुली चार्ज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी स्मार्टफोन की बैटरी लो हो जाती है तो वो काम नहीं करते हैं, लेकिन छोटा फ़ोन आपके पास रहेगा तो आप अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्शन बनाए रखेंगे। मोबाइल चार्जर, दूसरी मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज, अगर आप व्लॉगर हैं तो कैमरा वगैरह, सारी चीज़ें साथ जरूर लेकर जाइए। चलिए, ये तो हो गई सारी प्रिपरेशन से संबंधित बातें। बात करते हैं अब परमिट की। देखिए, अगर आप श्रीनगर कारगिल वाले रूट से लेह जाते हैं तो आपको सिर्फ एक परमिट की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आप मनाली वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 2 परमिट की जरूरत पड़ेगी। मनाली वाले रास्ते से 2 परमिट इसलिए चाहिए क्योंकि पहला परमिट होगा मनाली से रोहतांग पास का, वो भी बहुत जरूरी है, उसके बिना आप वहां से नहीं निकल पाएंगे। उस परमिट के लिए आप मनाली पहुंचने के बाद वहां के ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपका बाइक परमिट बनवा देंगे। वैसे वहां पर बाइक का कोई स्पेसिफिक परमिट नहीं बनता है, ना ही ऑनलाइन कोई इस तरह की फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि एक दिन में 1200 गाड़ियों का परमिट दिया जाता है, जिसमें से 800 पेट्रोल वाली होती है और 400 डीजल वाली गाड़ियों को परमिट दिया जाता है। बाइक का कोई स्पेसिफिक परमिट नहीं है। बाइक के लिए अगर आपको परमिट लेना है तो आपको बियॉन्ड रोहतांग पास से ये परमिट मिल पाएगा। उसमें आपको रोहतांग पास से निकलने के बाद आगे किसी शहर की या केलांग की या जहां भी आप स्टे करना चाहते हैं वहां के किसी होटल की बुकिंग पर्ची आपको दिखानी पड़ेगी कि आपका होटल वहां बुक है, आप वहां जाना चाहते हैं, इसलिए आपको रोहतांग पास से बाइक लेकर निकलना है, तो उसके लिए आपका परमिट बन सकता है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में वापस रोहतांग पास से वापस आ जाएंगे तो परमिट नहीं बन पाएगा, आपको उसके आगे कहीं स्टे करना है, उसका कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आपका परमिट बन पाएगा। इसलिए मोस्टली व्लॉगर श्रीनगर कारगिल होते हुए लेह जाते हैं। अब लेह पहुंचने के बाद दूसरे परमिट की जरूरत पड़ती है। दूसरा परमिट लेह में मिलेगा आपको, उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो लेह का परमिट होता है वो बेसिकली लेह में घूमने के लिए होता है। जैसे आप पेंगोंग लेक जा रहे हैं या खारदुंगला पास जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर सभी जगह के लिए अलग अलग परमिट बनवाना पड़ता है। इसके लिए आप या तो लेह पहुंचने के बाद डीसी ऑफिस में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो परमिट बन जाएगा। डीसी ऑफिस 10 बजे के आसपास खुल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिखाई पड़ रही है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जितनी भी जगह आप लेह में घूमना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी जगह फॉर्म में है सब पर टिक लगा दीजिए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आपको किस रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो पूरी जगह नॉन होती है। तो आप सारी जगहों को सेलेक्ट कर लीजिए और सभी जगहों का परमिट बनवा लीजिए। साथ में आपको परमिट के लिए क्या क्या ले जाना पड़ेगा, आपको कुछ फोटोग्राफ्स अपने पासपोर्ट साइज के वो जरूर लेकर जाने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब जरूर लेके जाइए। हो सके तो उनकी काफ़ी सारी फोटोकॉपी पहले से ही करवा लीजिए, वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी फॉर्म में ही एंट्री कर दी जाती है। परमिट बनवाने के बाद ऑनलाइन अगर आपने परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसमें आपसे डेट वो पूछता है कि कितने दिन का परमिट आप बनवाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई तो कर दीजिए लेकिन पेमेंट डीसी ऑफिस लेह जाकर ही कीजिएगा, या फिर आप लेह में ही साइबर कैफे वाले से कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, सीधे चले जाइए, डायरेक्ट साइबर कैफे जाइए और उसको बोलिए कि हमें लेह में घूमने के लिए परमिट चाहिए। जितनी भी जगह है सबको सेलेक्ट कर लीजिए, परमिट बनवा लीजिए, डीसी ऑफिस जाइए, वहां पर वो स्टाम्प लगाकर दे देंगे, आपका परमिट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सभी जगहों का परमिट बनवाते हैं तो 750 रुपये के आसपास एक मेंबर का परमिट बन जाएगा। आप लेह में कहीं भी किसी भी जगह जाइए, उस परमिट को दिखाइए और आप घूम सकते हैं। परमिट बनवाने के बाद 5 से 10 उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, क्योंकि जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं लेह में तो वो कभी कभी परमिट चेक करते वक्त उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉपी करवा लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। ये हो गई परमिट से रिलेटेड सारी बातें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं स्टे की।
कि कहाँ पर रुकना है, कितना खर्चा स्टे में होने वाला है। देखिए कम से कम 2 से 3 दिन तो आपको टेंट में ही रुकना पड़ेगा। टेंट के चार्जेस अगर मैं बताऊं तो करीब 2,000 से 3,000 तक वो चार्ज करते हैं, लेकिन उस टेंट में 4 या 5 लोग भी स्टे कर लेते हैं, तो ऐसे में पर हेड काफ़ी कम अमाउंट ही बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा टेंट में नहीं होगा। लेह में बहुत सारे होटल्स हैं, उनमें आप स्टे कर सकते हैं। लेह में होटल के चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 1,000 रुपये 2,000 रुपये या उससे भी कम में अच्छे होटल लेह में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि आप होम स्टे कर लीजिए। होम स्टे का फ़ायदा तो ये होता है कि वो थोड़ा सस्ता होता है, दूसरा होम स्टे में वहाँ का लोकल फूड खाने का मौका मिल जाता है। अगर आप अपना खुद का टेंट लेकर जाते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि किसी सिटी या जहाँ बाकी टेंट लगे हुए हैं उनके आसपास ही अपना टेंट लगाइएगा, क्योंकि वो जगह आपके लिए अननोन होगी, तो एकदम से अकेले में जाकर टेंट लगाना भी रिस्की हो सकता है। खाने पीने की बात करते हैं तो खाने पीने में खर्चा आपका, मैं एक बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ कि आपका मात्र 250 से 300 रुपये पर डे का खर्चा होगा पर हेड। इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर आप नॉर्मल डाइट लेते हैं तो, बट अगर आपको बहुत ही स्पेशल खाना खाना है तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं, तो अब आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल कितना बजट आपका खर्च होने वाला, कितना बजट आपको बनाकर चलना है लद्दाख ट्रिप के लिए। देखिए अगर 12 से 15 दिन का ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं तो पर हेड करीब करीब अगर आप नॉर्मल बाइक ले जाते हैं 100-150 cc या बुलेट तक भी ले जाते हैं तो आपका खर्चा होगा करीब 12,000 से 15,000 के आसपास। 15,000 तक नहीं पहुंचेगा, उससे कम में ही हो जाएगा, 12,000 तक भी हो सकता है, 13,000 भी हो सकता है, लेकिन इन सब से अलग कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको अपने साथ में लेकर जानी पड़ेगी। वो इमरजेंसी में आपके काम आ सकती है, जिसमें 5 से 10,000 अगर हो सके तो आप साथ जरूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर ATM की अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं होती है। अपना कार्ड ATM कार्ड आप साथ लेकर जा सकते हैं, अगर डिजिटल पेमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी कैश अपने साथ जरूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने साथ रखिएगा। सोलो राइडिंग के लिए एडवाइस मैं नहीं करूँगा, सोलो राइडिंग काफ़ी रिस्की हो सकता है और काफ़ी पैनिक आपके लिए हो जाएगा। ग्रुप में जाइए, ग्रुप में राइडिंग करने पर आप सेफ भी रहेंगे और आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप राइड को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एक बाइक पर एक ही बंदा जाना चाहिए या पिलियन सीट पर किसी को साथ ले जा सकते हैं। देखिए साथ ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि एक बाइक पर एक ही बंदा जाइए तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको राइडिंग करने में बहुत सुविधा होगी, बहुत एंजॉय कर पाएंगे अपनी बाइक राइडिंग को पूरी लद्दाख ट्रिप में। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम कौन सा है लद्दाख जाने का बाइक से। मई और जून का मंथ बहुत अच्छा माना जाता है लद्दाख घूमने का। बेसिकली मई में मनाली का रोहतांग पास फर्स्ट वीक में ओपन हो जाता है और जून में फर्स्ट वीक में लेह के लिए भी हाईवे ओपन हो जाता है, तो जून बहुत ही अच्छा मंथ माना जाता है लद्दाख ट्रिप के लिए। जून के बाद जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि इन मंथ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है, बट अगर आप एडवेंचर चाहते हैं तो जुलाई अगस्त में भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिवर क्रॉसिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर का मंथ भी होता है जिसमें राइडर्स जाते हैं, बट अक्टूबर के मंथ में आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है, हैवी स्नो देखने के लिए मिल सकती है, हो सकता है कि आपको बाइक ही स्नो पर चलानी पड़े, तो उस कंडीशन में आपको बाइक चैन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी बाइक नहीं है और वो चाहते हैं कि वो भी लद्दाख टूर बाइक से करें, तो वो बाइक रेंट पर ले सकते हैं। बाइक आप चंडीगढ़ से भी रेंट पर ले सकते हैं या फिर आप फ्लाइट से लेह पहुंच जाइए, आप लेह जाकर भी बाइक रेंट पर ले सकते हैं। लेह में जो बाइक का रेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है उसका रेंट करीब 1400 से 1500 रुपये पर डे होता है। बाइक पूरी तरह से रेडी करके आपको देंगे, हेलमेट देंगे, सारे कागज पेपर सब कुछ वो देंगे, बस पेट्रोल आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। आप रॉयल इनफील्ड की हिमालयन लेना चाहते हैं तो करीब 2,000 रुपये पर डे उसका खर्चा आने वाला है। बाइक आप लेह में भी ले सकते हैं, बाइक आप चंडीगढ़ से भी ले सकते हैं या दूसरे स्पॉट्स मनाली हैं वहाँ से भी आप बाइक हायर कर सकते हैं, रेट लगभग सभी जगह यही रहने वाला है। बट अगर आप सोचते हो कि आप दिल्ली से या किसी और दूसरे बड़े शहर से बाइक रेंट पर लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप उस एरिया में पहुंचेंगे लेह में तो वो परमिट नहीं करेंगे आपकी गाड़ी को कि आप लेह में उस गाड़ी से
घूमने जाएं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसी शिकायतें आई हैं बाहर से रेंट पे ली गई बाइक कश्मीर और हिमाचल के अलावा किसी दूसरे स्टेट से ली गई बाइक को कभी कभी वहाँ पर वहाँ के लोकल परमिट वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे में जिससे भी आप बाइक रेंट पर लें उससे सारी बातें क्लियर कर लें कि क्या ये बाइक लेह लद्दाख के लिए ले जाई जा सकती है, इसको वहाँ पर जाने दिया जाएगा या फिर बाइक हमें वहीं छोड़नी होगी और दूसरी बाइक हायर करनी पड़ेगी। तो सारी डिटेल बाइक रेंट पर लेने से पहले उससे कन्फर्म कर लें। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ही रेंट पर लीजिए और उनसे एक्सप्लोर कीजिए। तो सबसे बढ़िया है कि आप अपनी खुद की पर्सनल बाइक लेकर जाइए, सारे परमिट बनवाइए और आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं लद्दाख ट्रिप से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और सवाल बाकी रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।